हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसटीएस ऑलराउंडर में। मैं आया हूँ वसुंधरा में, वसुंधरा इनक्लेव एक बात कह सकते हैं, ट्रोनिका सिटी के पास पड़ता है, या ट्रोनिका सिटी में ही कह लो आप, दिल्ली बॉर्डर पे है। एक्चुअली पीछे देख रहे हो मेरे स्कूल, उधर देखो पूरा क्या बसे हुए इलाके हैं। और जब मैं प्राइस बोलूंगा आप कहोगे हैं क्यों मजाक कर रहे हो यार। अब मैं कहूँ भी तो कैसे कहूँ, इतने सस्ते प्लॉट है और वो भी किस्तों पे, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। मैं बता नहीं रहा, थंबनेल पे लिखा, खुद ही पढ़ लेना इस बात को, उस पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सस्ता मामला है, किस्तें भी ऐसी हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि फाउंडेशन है कि आपको इतनी किस्त भरनी है। कई बार हाथ ऊपर भी होता है, कई बार नीचे भी हो जाता है, नहीं हाथ बनता तो ये वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किस्तों भी मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, ज़्यादा कम ज़्यादा कम में, लेकिन एंड ऑफ द डे 3 साल का टाइम आराम से पूरी कर देना। ये देख रहे हो मार्किंग सारी की सारी प्लॉटिंग की, ये डिटेल मैं भी आ रही भाई से पूरा समझने वाला हूँ कि है क्या किस तरह से। और वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पीछे तक है। वो देखो ये पूरी कॉलोनी है पीछे तक, बहुत बड़ी। तो आरिफ भाई से समझते हैं आगे का इसके बारे में, क्या सीन है क्या नहीं। चलिए आरिफ जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया सर, आप सुनाइए। बस बढ़िया आरिफ जी, अब आज क्या लाए हो दिखाने के लिए मुझे? सर मैं जो कॉलोनी है हमारी, इस कॉलोनी का नाम है, सबसे पहले मैं बता दूं सभी व्यूअर्स भाइयों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी साइड है हाईवे के बिल्कुल नजदीक में है, और ये जो हमारी कॉलोनी का नाम है, इसका नाम है वसुंधरा इनक्लेव। जो मेरी एक, जैसे कि मेरे वीडियो वगैरह मतलब कि देखते हो, जैसे जो भाई देखता है, क्योंकि मेरे नाम से फेमस है ये वसुंधरा इनक्लेव। जो कॉलोनी हमारी बहुत अच्छी मतलब कि लोकेशन पे कॉलोनी बसी हुई है, यहाँ पे आपको हर चीज़ की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बच्चों के लिए स्कूल वगैरह, पार्क वगैरह, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, और काम काज के लिए यहाँ पे आपको मिलती है ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, जो सारा फैक्ट्री एरिया होने वाला है। यहाँ पे आपको लाइट, पानी, बिजली वगैरह सब चीज़ मिलेगी। तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखते रहिए, इस वीडियो में हम आपको हर चीज़ दिखाएंगे, एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी के साथ में। ठीक है, तो अरे भाई अब अगर बात करें यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि हमें प्लॉटिंग देखनी है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं भी प्लॉट अब मकान अपने डिजाइन अपने हिसाब से बनाएंगे, हमारे पास प्लॉट कहाँ से कहाँ तक उपलब्ध है? हमारे पास में 25 गज का प्लॉट जो मिलता है कम से कम 3 लाख रुपए का मिलता है, और 25 गज का प्लॉट 5-6 लाख रुपए तक का हमारे पास में मिलता है किस्तों पे। वो भी किस्तों पे आप दे देते हो? और किस्तें कितने टाइम तक की होती हैं? लेके 36 महीने से लेके 48 महीने तक की ईएमआई किस्तें हैं। वैसे तो 12 महीने से हम स्टार्टिंग करते हैं, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने, 30 महीने, 36 महीने, 42, 48 महीने तक किस्तें बनती हैं। अच्छा, ये जो बाउंड्री हो रखी है तो इसका मतलब सोल्ड होगा ये वाले प्लॉट? तो ये जो प्लॉट बना हुआ है ये हमारा 40 गज में प्लॉट बना हुआ है। अच्छा, और प्लॉट है ये? हाँ, जैसे कोई छोटा प्लॉट लेना चाहता है तो मत्था भी छोटा मिलता है और गहराई भी सेम मिल जाती है। अच्छा, तो ये तो सोल्ड है जी ये वाले ना। अब ये जो सामने मकान बना हुआ है ये वाला 30 गज में मकान है, इसका 12 का मत्था है और 22.5 की गहराई है इसमें। अच्छा, 12 का मत्था, 22.5 की गहराई। पीछे जो मकान बने हुए हैं ये जिसपे लेंटर गिरे हैं, वर्क काम कर रहे हैं, ये 30x30 के प्लॉट है, चकोर प्लॉट है बिल्कुल, ये चकोर प्लॉट है। अगर हम जैसे बात करें मेट्रो स्टेशन, जहाँ तक मुझे पता है शायद 3-3.5 किलोमीटर पे है जी, है ना। रेलवे स्टेशन तो क्या नाम था पास में जो है? दुसुरताबाद खटखड़ी रेलवे। एक बार दोबारा बताइए नाम। दुसुरताबाद खटखड़ी रेलवे। रेलवे स्टेशन। और इसके बाद को मतलब को आप बता रहे थे ना मुझे, जो बात हुई थी कि 3 रेलवे स्टेशन है बीच में जो दिल्ली तक के कनेक्टेड है, वो बताना। ये पहला नुसरताबाद है, हाँ। यहाँ से अगले वाला पड़ता है नेक्स्ट लोनी वाला पड़ता है, फिर सादरा पड़ता है, फिर पुरानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन। अच्छा, फिर तो मतलब ज्यादा दूर, हाँ। तो हो ही नहीं, हम तो है ही बिल्कुल बॉर्डर पे खड़े हैं। तो कोई स्कूल्स वगैरह के बारे में आसपास? स्कूल यहाँ पे आपको मिलता है, एक तो जीआर ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल है, सीबीएसई न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, और एक एफआरजी स्कूल है यहाँ पे 8वीं तक का। और यहाँ पे एक सबसे मेन चीज क्या है कि आपको मिलती है आईटीआई कॉलेज मिलता है जो सरकारी। डिस्टेंस कितना होगा अप्रोक्स? ये सामने 200 मीटर की दूरी पे है, कोई 250 मीटर की दूरी पे है कोई। अच्छा, ये यहीं पर ही है सारे के सारे जो बसावट हुई है, सारे स्कूल ये स्कूल में ही है। अच्छा, तो कोई ऐसी कोई आईटीआई वगैरह कुछ यहाँ आसपास? ये आईटीआई मेरी बराबर में चलते हैं, हम ये दिखाओगे? आईटीआई भी दिखा देता हूँ, आईटीआई से मिली हुई हमारी कॉलोनी ये वसुंधरा इनक्लेव पूरी की पूरी। चलिए आईटीआई तक मिली हुई, चलिए सर वहाँ चलते हैं। हाँ, तो आरिफ भाई अब यहाँ पर भी आ गए, स्कूल के पास में इधर आ गए, तो ये तो लग रहा है और ज़्यादा यहाँ काम बढ़ाया हुआ आपने।
पूरी नई नई प्लॉटिंग से बताया, कम से कम हमारी 2 किलोमीटर की कॉलोनी है ये वाली। हाँ, मेन रास्ते से लेकर दूसरे रास्ते की तरफ निकल रही है। इस कॉलोनी के अंदर आपको एंट्री करने के लिए 4 रास्ते मिलते हैं, ठीक है। पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कोसी भी रास्ते से आप इस मकान कॉलोनी के अंदर आकर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि रेलवे स्टेशन की तरफ से, मेट्रो स्टेशन की तरफ से, मेन हाईवे की तरफ से और कॉलोनी के अंदर से, चारों तरफ से होगी। अभी ये मैंने कॉलोनी लॉन्च की है, इस कॉलोनी में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये एक रास्ता ये वाला है, एक रास्ता ये 25 फुट का बनता है कॉर्नर का। तो जैसे कि कोई मेरा भाई एल साइड की प्लॉट की कॉर्नर की चाहत रखता है तो वो जितना जल्दी आएगा उसको उसकी मनपसंद तरीके का प्लाट मिलेगा। अगर कोई 3 साइड ओपन लेना चाहता है तो 3 साइड में 2-3 रास्ते बन जाएंगे उसके। बिल्कुल मेन रास्ते में मार्केट वाला रास्ता रहने वाला है ये आने वाले समय के अंदर। आज किस्तों पे है, कल को इस कैश को होगा और 2-3 महीने के अंदर ही मतलब अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है प्लॉटों का। हाँ, सीधी सी बात है, जितना तेजी से इलाका और ज्यादा डेवलप होता चला जाएगा उतना ही आपको उसमें हो जाएगी, क्योंकि उतना ही फिर ये किस्तों वाली स्कीम भी हट जाएगी धीरे धीरे, तो फिर और मुश्किल होगी लोगों के लिए। तो और सबसे अच्छी बात है कि किराया ना देके अपने मकान की किस्तें दीजिए, अपने मकान का मालिक बनिए। बात तो बहुत अच्छी है ये। कम से कम आज हम किराए पर रह रहे हैं, कम से कम हमारे जो बच्चे बड़े होते हैं कम से कम उनको तो अपना मकान मिल जाए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज की डेट में अपना मकान बनाना ही एक आदमी के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है। और यहाँ तक कि नहीं कि ना हमारे पास कोई ब्याज है ना कोई इंटरेस्ट है, जो रेट आज हमारा तय होगा, जो मैंने जैसे वीडियो के अंदर बताया है कि इस रेट से इस रेट तक की हमारी कॉलोनी है, वही मेरा 36 महीने 48 महीने तक की EMI किस्तों पर देना है। यहाँ तक कि कोई भाई अपने प्लॉट पे लोन वगैरह कराना चाहता है, बैंक से कराना चाहता है, तो वो बैंक से भी लोन करा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पे आपको लोन मिलता है। अरे भाई, मन तो बड़ा खुश हो रहा है चीज़ देखिए। एक्चुअली मैं ढूंढ भी रहा था, ऐसे कई व्यूवर लोग हैं जो चाहते थे सस्ता कुछ मिले, और मुझे कई बार कॉल आते थे किस्तों की चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं कई बार जो होते हैं ना जो जॉब नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोन नहीं मिल पाता उन लोगों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे बड़ी बात। तो ठीक, लोन तो ऐसा है सर, मैं बिजली रजिस्ट्री होने के बाद में ही जो भी बैंक में आप फाइल ले जाके करोगे आपको तुरंत लोन मिलेगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, अरे भाई इसको मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोग देखें आराम से, मैं फिर और दोबारा बनाऊँ ताकि और फॉलोअप बने, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे हमारी गाड़ी जा रही है, चारों तरफ देखते हो ये सारी कॉलोनी हमारी काटी हुई है। हाँ, ये सारी अभी मार्किंग की है, अभी हमने इसको 10-15 दिन ही हुए हैं काटे हुए इस कॉलोनी को। जितना जल्दी आओगे उतना ही आपको अच्छी लोकेशन पर अच्छी मनपसंद तरीके का आपको प्लॉट मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अरे भाई थैंक यू।